एज्यूमिंग दैट द रेफ्रिजरेटर साइकिलबल मतलब क्या एज्यूम करना है कि जो ये साइकिल है वो रिवर्सिबल है ठीक है फॉर एवरेज वर्क डन हीट डिलीवर्ड बा हमें बताना है कि क्यू वन की वैल्यू क्या होगी यानी कि हीट डिलीवर्ड की वैल्यू क्या होगी तो इसको मान लेते हैं क्या हो जाएगा ये हमारा क्यू वन मान लेंगे इसको हीट डिलीवर्ड वन फॉर द टेम्परेचर वन एंड इसको मान लेंगे क्यू टू और इस पे जो W लग रहा है वो कितने का लग रहा होगा इज टू वन जूल ठीक है बच्चों अब इसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन मीन्स जो इसका Q1 की वैल्यू है वो क्या होगी और Q2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे इससे तो हमें पता है कि B इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन में W कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से B क्या निकल जाएगा हमारा दैट इज वन अपॉन में एन माइनस वन तो इसको हम कैसे कह सकते हैं जी इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं दैट इज टी टू माइनस टी वन माइनस टी टू हो जाएगा तो टी टू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों वो हमें पता है 273 केल्विन जो कि दे रखा है हमें क्वेश्चन में ही तो देखते हैं चलो टी टू हाँ 273 दे रखा है ना तो चलो ये क्या हो गया हमारा 273 और हमारे टी वन माइनस टी टू करेंगे यानी कि 300 माइनस 273 कर देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 27 तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या आएगा हमारा v की वैल्यू दैट इज 10.1 आ गया ठीक है अब देखो क्या होगा 10.1 इज इक्वल टू q2 अपॉन w हो जाएगा ना इजीली तो 10.1 इज इक्वल टू q2 अपॉन में w हो गया तो इससे हमारा क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी q2 की वैल्यू आ जाएगी तो देखो q2 क्या आ गया हमारा q2 आ गया हमारा w 10.1 तो w यहां पे क्या था बच्चों हमारा W हमारा वन जूल था तो ये हो जाएगा कितना हमारा वन मल्टीप्लाई टेन पॉइंट वन दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया टेन पॉइंट वन ही हो गया हमारे Q2 भी अब Q1 को हम क्या लिख सकते हैं ध्यान दो Q1 को लिख सकते क्यू टू प्लस डब्ल्यू होगा ना समझ रहे हो ना कैसे लिखा मैंने Q2 को हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज क्यू टू को लिख दिया W प्लस व्यू टू सॉरी Q1 को मैंने लिख दिया W प्लस q2 तो देखो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हमें पता है q2 की वैल्यू हमें निकले कितना दैट इज 10.1 ठीक है तो चलो यहाँ से क्या कर देंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10.1 प्लस w जो है हमारा वो कितना है 1 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 11.1 हो जाएगा हमारा तो इसको हम क्या कह सकते हैं एप्रोक्सीमेटली दैट इज कितना जूल हो गया ये हो गया हमारा 11 जूल ठीक है 11 जूल तो बच्चों ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही कि ऑप्शन नंबर से, the okay? so से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर